एक बच्चे में अगर देखते हैं तो सेकंड प्रेगनेंसी का 4 साल से पहले जेनेटिक टेस्ट करके सेकंड इश्यू में ये बीमारी नहीं है ये देखना जरूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज बीमारी ट्रीटमेंट करने के लिए माँ बाप को भी, पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी और सोसाइटी को भी मुश्किल बीमारी। ये जो बीमारी है जिसे हम इंग्लिश में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं, इसे इसमें बाय बर्थ जन्म से ही हड्डी का स्ट्रक्चर वीक रहता है और बार बार हड्डी फ्रैक्चर होती है मामूली सी गिरने पे भी। ये जेनेटिक बीमारी है जिसको कोई पुख्ता इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन से हम उसको घर से दूर नहीं कर सकते, कुछ इंजेक्शंस है जिससे हम उसका उसकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ताकि वो हड्डी मजबूत हो और गिरने का और हड्डी टूटने का फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। इंजेक्शन थोड़ा सा महंगा है, इसलिए अभी हमने क्या कोशिश की है कि पेशेंट्स को एक साथ बुला के, ये बीमारी के जो भी पेशेंट्स हमारे ताल्लुक में हैं तो सबको एक साथ बुला के वो एक इंजेक्शन में जितने लोगों का डोज हो सकता है वो सबका डोज एक ही साथ कवर कर देते हैं ताकि कॉस्ट वो इंजेक्शन की डिवाइड हो जाती है। एक दूसरा आपने ये देखा है कि ये जब से हमने ग्रुप थेरेपी शुरू की है तब से थोड़ा सा लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, थोड़ा सा एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने के बाद उनको लगा है कि ठीक है हम अकेले नहीं, हमारे साथ और है, और ओवरऑल लोगों का आने का भी इंसिडेंस बढ़ गया है। जो पहले लोग नाराज़ होकर नहीं आते थे या पैसे वैसे नहीं आते थे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करके अभी आ रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं और धीरे 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 पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। जो पेशेंट पहले बैठ नहीं रहे थे वो बैठना शुरू किया है, जो बैठ रहे थे उन्होंने धीरे धीरे खड़े रहना शुरू किया, जो खड़े रह रहे थे उन्होंने चलना शुरू किया। जब तक ये बच्चे पूरे बड़े नहीं होते तब तक उनके ये मेहनत लेना है, इंजेक्शन साल में कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार दे सकते हैं, वो कैसे देना क्या देना ये हर बार हम कैन में सबसे बात करके डिस्कस करके फिर पेशेंट्स को उस हिसाब से आगे का एडवाइस देते हैं। फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथ बढ़ाना भी ज़रूरी रहता है। ओवरऑल ये बीमारी उन बीमारियों में से जिसके लिए ना सोसाइटी ने थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, सोसाइटी का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है सपोर्ट के लिए, कि वो पेरेंट्स को सपोर्ट अगर हम सब मिलकर दे सकते हैं, कभी फाइनेंशियल रहो, कभी साइकोलॉजिकल रहो, कभी और किसी चीज़ से रहो, बट हम सब में सपोर्ट करना इसके लिए ज़रूरी है।
ये केसेस यही दिखाती है कि हम सबका रोल इसमें बहुत बड़ा है। सर ये पेशेंट के सिम्टम्स क्या रहते हैं सर? बेसिकली ये पेशेंट्स के सिम्टम्स ना, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनकी हड्डी फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है। कई बार वो फ्रैक्चर ना दिखते नहीं है, सिर्फ सूजन आ जाती है और बच्चे हाथ या पैर हिलाना बंद कर देते हैं। जब हम एक्सरे करते तब दिखता है कि अरे इसमें तो फ्रैक्चर हुआ है या फ्रैक्चर हुआ था नहीं, हड्डी ऑलरेडी बन चुकी है। अच्छी बात यह रहती है कि इसमें ना हड्डी नई जल्दी से बन जाती है, लेकिन जो बनती है वो जल्दी से टूट जाती है। काफ़ी सारे बच्चों में इसके साथ में ना उनके दांत में भी प्रॉब्लम रहते हैं, दांत की भी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, जिसे हम डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं। काफ़ी सारे बच्चों में थोड़ा सा आँख नीली कलर की रहती है, वो भी एक उसमें का सिम्टम है जिससे पता चलता है। इसके लगभग 10 या 12 टाइप्स हैं जेनेटिक कलर है, और बहुत माइल्ड से लेकर बहुत सीवियर तक, जहाँ पे बच्चे एट बर्थ डेड पैदा होते हैं वहाँ तक ये बीमारी की सीवियरिटी है। सर ये बच्चों में जैसा कि अभी टेस्ट कौन सी टेस्ट किया जाता है जब मालूम पड़ेगा अपने को कैल्शियम डेफिशिएंसी कम है? दो किस्म की टेस्ट है इसके लिए। बेसिक एक ब्लड की टेस्ट है जिसमें हम कैल्शियम की बाकी बीमारियाँ पहले दूर है कि नहीं ये कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ कि बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ जेनेटिक टेस्ट रहती है ब्लड की, जिसमें से कौन सी जीन की वजह से ये बीमारी हुई थी दिखता है, ये डायग्नोसिस के लिए है। और हड्डी की क्वालिटी कैसी है ये देखने के लिए BMD हम रूटीनली कराते हैं, जिसमें वर्टिब्रा, बच्चों के वर्टिब्रा का मंकू की बोन की स्ट्रेंथ कैसी ये गिनते हैं, और वो हिसाब से फिर मेडिसिन का प्लानिंग किया जाता है। सर इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाएगा और कब तक तो करना पड़ेगा या ऑपरेशन करना पड़ता है? दोनों चीज़ें हैं, एक हड्डी की क्वालिटी बढ़ने के लिए, हड्डी की क्वालिटी सुधरने के लिए, फ्रैक्चर कम होने के लिए मेडिसिन, इसमें इंजेक्शन है और कैल्शियम जैसी दवा है। और कई बार ये हड्डी ब्रेक होने की वजह से उसमें एक किसान का कर्व आ जाता है, हड्डी में एक किस्म का झुकाव आ जाता है, वो झुकाव के वजह से भी हड्डी बार बार दुखती रहती है। वहाँ फिर उसको ऑपरेशन करके सीधा करके उसमें रॉड डालने रहते हैं और फिर उस पर बच्चों को धीरे धीरे चला रहा है। सर ये बीमारी का कुछ अनुवंशिकता का प्रमाण होता है क्या? काफ़ी सारा रहता है, काफ़ी सारा रहता है। तो हम काफ़ी पेशेंट देखते हैं कि जहाँ पे अभी हमारा एक फैमिली है जहाँ पे वो पिताजी को बीमारी है, बेटी और बेटे दोनों को बीमारी है, एक फैमिली में दोनों बहनों को बीमारी है। एक फैमिली तो मुझे याद है आज उम्र का सिर्फ एक ही बच्चा आया था, लेकिन वो घर में तीनों बच्चों को बीमारी है, मतलब बड़ी सिस्टर ये मतलब मझला भाई आज आया था और उसकी छोटी बहन, तीनों को बीमारी है। अनुवंशिकता इसमें काफ़ी हद तक है, और इसीलिए ये बीमारी ना अगर एक बच्चे में अगर दिखती है तो सेकंड प्रेगनेंसी का चांस लेने से पहले जेनेटिक टेस्ट करके सेकंड इश्यू में ये बीमारी नहीं है देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज ये बीमारी ट्रीटमेंट करने के लिए माँ बाप को भी, पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी और सोसाइटी को भी मुश्किल बीमारी है। सर अभी जैसा बताया कि एज अ पेडियाट्रिशियन बाल रोग तज्ञ जो बच्चों के हड्डी को डॉक्टर है आप, और जिस तरह आपने ये जो अभियान हाथ में लिया है सामाजिक सेवा के, इसमें इसके बारे में जनरल जो माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बेसिकली ना बीमारियां जब हम देख रहे हैं, अभी बच्चों की बीमारियां हम देखते हैं ना, तो कुछ बीमारियां बहुत कॉमन रहती हैं, जैसे सर्दी जुकाम है, लूज मोशन से हम सब बच्चों में देखते हैं। कुछ बीमारियां बहुत अनकॉमन रहती है जो लाख में एक, 5 लाख में एक बच्चे को होता है। आप अपने बच्चे को, किसी के भी बच्चे को कोई बीमारी रहो तो भी वो हम सब ने मिल के उसको ट्रीट करना है, सोसाइटी का वो काम होता है, सोसाइटी ने वो पूरा करना रहता है। और कभी भी किसी भी माँ बाप ने ये समझना नहीं चाहिए कि हम अकेले हैं, कि हमारे पीछे कोई नहीं है, एक। और हमेशा ट्रीटमेंट कुछ नहीं अवेलेबल हुई के लिए देखते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक किसी डॉक्टर ने बोल दिया रहता है कि इसके लिए कुछ नहीं हो सकता, और फिर माँ बाप वही पकड़ के सब ट्रीटमेंट छोड़ के घर पर बैठ जाते हैं। मेरे हिसाब से साइंस चेंज होता रहता है, नई ट्रीटमेंट आते रहती है, नई इन्वेस्टिगेशंस, नए इन्वेंशंस होते रहते हैं। सो किसी भी बीमारी के लिए पेरेंट्स ने बीच बीच में नया कोई ट्रीटमेंट ईजाद हुआ है क्या ये देखते रहना ज़रूरी है, अगर अवेलेबल है तो ट्रीटमेंट के बारे में सोचना ज़रूरी है। जैसा बताया सर ये काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट होती है, काफ़ी खर्ची होती है, तो शासन से कुछ मांग करना चाहेंगे कि आप एज अ पेडियाट्रिशियन करना चाहिए? ये जो सब बीमारियां हैं ना, जिसको हम कंजनिटल डिजीजेस कहते हैं, जो बाय बर्थ रहती है, ये बीमारियां ना कोई इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, और ये बीमारी की ट्रीटमेंट अक्सर पूरे बचपन ले लेती है, और जैसा अभी आप कह रहे थे वैसा ना वो बहुत खर्चे की रहती है, मेडिसिन खर्चे कर रहते हैं, वो रॉड खर्चे कर रहते हैं, ऑपरेशन के खर्चे ज़्यादा रहते हैं, फिजियोथेरेपी इनको कंटिन्यूसली लगती है। सो गवर्नमेंट अगर किसी इंश्योरेंस में ये सब अच्छी तरीके से अगर बिठा सके, स्पेशली एक अलग इंश्योरेंस जो ये बच्चों के लिए हो, जहाँ पे रिपीटेडली ये ट्रीटमेंट्स करने के लिए फंड्स अवेलेबल हो, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है।
सर आपके पास ऐसे कितने पेशेंट हैं अभी और जिले में कितने हो सकते हैं? इसका इंश्योरेंस अराउंड 50,000 से 1,00,000 में एक है ऑन एन एवरेज। सो वो हिसाब से कितने पेशेंट है ये देखना चाहिए। अभी हम जो एक्टिवली ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अराउंड 20 से 25 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट हमारे पास चल रही है, जिनको ये इंजेक्शंस और जब जरूरत हो सर्जरी ये सब एडवाइस करके हम धीरे 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 खुद के पैरों पर खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। सर केपॉन हॉस्पिटल का हमेशा कुछ सामाजिक कार्य में हाथ बार रहता है, तो ये पेशेंट के लिए आप आगे क्या करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को? बेसिकली इस वजह से कई बच्चों को ना सर्जरी की जरूरत है बट फंड्स की वजह से थोड़ा सा वो हो नहीं पा रहा है। जो अभी हमने ना कुछ सामाजिक संस्थाओं से अप्रोच करके उनसे फंड्स कुछ अगर हो सकते हैं, जैसे लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है या और काफ़ी सारे संस्थाएं जो हेल्प करते हैं, उनको हमने अभी अप्रोच किया है और धीरे धीरे अगर किसी तरीके से फंड्स हम इकट्ठा कर सकते हैं तो उसमें से ये बच्चों के ट्रीटमेंट करना, मेडिसिन के लिए हम ऑलरेडी कैंप अरेंज कर ही रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वो इंस्टीट्यूट से बात करके कंसेशन में कैसे इन्वेस्टिगेशन करा ये सकते हैं, इसका भी हमारा काम चल रहा है। और सपोर्ट सब पेशेंट्स को देना, सबसे बात करना, ये इंडिविजुअल लेवल पे हमारा चल ही रहा है। आरोग्य जागृति।